हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्स स्टडी। इस वीडियो में हमने टोटल तीन टॉपिक्स को कवर किया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप थोड़ी बड़ी वीडियो बनाइए, लंबी वीडियो बनाइए, 20-25 मिनट, 30 मिनट की। तो यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि यार 10-12 मिनट की वीडियो हो, बच्चा भी इंजॉय करे, ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, अगर मैं भी बड़ी वीडियो बनाऊँगा, बीच में थोड़ी इधर उधर की बातें करूँगा, बड़ी तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा भी देंगे बड़ी, लेकिन आप बोर हो जाओगे। ठीक है, 10-12 मिनट की जो वीडियो होती है ना, उसमें बच्चा आराम से पढ़ लेता है। अगर मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है ना, वो इतनी होती नहीं है कि इतनी देर तक वो सुनते रहे किसी की बातें। 10-12 मिनट की वीडियो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे बच्चा इंजॉय करे, आराम से समझे और उसके नोट्स बनाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पीछे हमने थोड़ा बहुत क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं उसे। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमारी वीडियो खत्म होने के बाद खत्म हो जाएंगे। व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये तीन टॉपिक मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करिए एंड उसको पहले देखिए जाके। आज जो हम करेंगे वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज, एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो ये खत्म होगी जैसी वीडियो, तो टोटल आपके 6 टॉपिक्स खत्म हो गए होंगे। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने हिस्ट्री का क्विज पूछा था एंड में, आज की वीडियो में भी मैंने हिस्ट्री का क्विज़ पूछा हुआ है, आपने ये अटेम्प्ट करना है क्विज। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो किसी और बच्चे ने किया होगा, उसी को ही कॉपी करके कर देना, लिख देना, बेशक आंसर लिख के भी याद हो जाते हैं। आपने सुना होगा नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो नकल करके नीचे लिख देना कमेंट में, लेकिन अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लीनियंट होते रहेंगे तो जो एग्ज़ाम एक दिन आ जाएगा और आपको ये चीज़ें याद नहीं हुई होगी। ठीक है, तो बेशक आप किसी का देख के लिखेगा, लेकिन अटेम्प्ट करिएगा। मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए मुझे नीचे। ठीक है, एंड हाँ, ये हमारा फेसबुक का पेज है, प्लस ये क्लोज ग्रुप है फेसबुक का, आप ये दोनों जगह पर ज्वाइन कर लो ताकि इस रिक्रूटमेंट की फॉर्म फिलिंग की डेट्स एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे। प्लस आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना। अगर कुछ आपका डाउट है या फिर कुछ भी क्वेरी है तो इंस्टा पर मैं एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप के अकाउंट्स हैं हमारे पास, एक है नॉमिनल, एक है रियल और एक है पर्सनल। हर एक को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हर एक के बारे में कि हमें सिंपलर भाषा में हर चीज़ समझ आ जाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखिए, नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को रिलेटेड टू हमारी इनकम, हमारा खर्चा, हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस। मतलब ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमारे खर्चा, हमारी सैलरी, हमारी इनकम, मतलब ये चीज़ें इंक्लूड होती है ना, उन्हें कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। सब जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस क्या होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो इतना ही है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जो सेकंड है हमारे पास वो है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट्स क्या होता है, जो रिकॉर्ड करते हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स को। अब आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ईजी भाषा में। टैंजिबल बेसिकली वो हो गया जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीवी, आपका स्कूटर, ये एक टैंजिबल एसेट है। ठीक है, और इसी का ही ऑपोजिट हो गया इनटैंजिबल, जिसे ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया गुडविल। आपने बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं यार उसका तो नाम ही काफ़ी है। फॉर एग्जांपल, आप शूज़ लेने जाते हैं और स्टोर वाला बोलता है कि यार मेरे पास नाइकी का ब्रांड है, तो आप जानते हैं कि यार नाइकी का तो नाम ही काफ़ी है, नाइकी का शूज़ अच्छा ही होगा। ठीक है, ये आपके मतलब हमारे दिमाग में गुडविल बनी हुई है उसके रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इस गुडविल को छू नहीं सकते, इस गुडविल के साथ कुछ कर नहीं सकते, ये इनटैंजिबल एसेट है एक। ठीक है, बना हुआ है उसके साथ, नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हाँ वो ब्रांड है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब लास्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स। देखिए, वो अकाउंट्स जो रिकॉर्ड करे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन, उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो जो मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ नोट करिएगा। ठीक है, तीन टाइप्स के हैं ये, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल हो गया जैसे किसी राम श्याम के नाम पे अकाउंट्स है, सिंपल। ठीक है, आर्टिफिशियल हो गया
जैसे किसी ब्रांड या बड़ी कंपनी जैसे टाटा, या फिर आप ले लीजिए कौन स्टडी, ठीक है। थर्ड आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। फॉर एग्जांपल बहुत सारी एम्प्लॉयज, लाइक आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करते हैं, 2000 लोग लग जाते हैं, तो मंथ के एंड में एक साथ आपको सैलरी आएगी, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ सैलरी दी जाती है जब वो पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक बंच ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है ये अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें मैंने, तीन अकाउंट्स आपको पढ़ा दिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कंसेप्ट इसके। अब नेक्स्ट हम एक नज़र मारेंगे जनरल एंट्रीज को। तो अब हम आपको दिखा देते हैं एक जनरल एंट्री टेबल कैसे होता है। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक जनरल एंट्री फॉर्मेट है, ठीक है। इसे हमने प्रॉपरली टेबल के फॉर्म में दिखाया आपको, जिसमें 5 एंट्रीज मैंने दिखाई हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे MCQs बनते नहीं हैं, यहाँ पे सीधा आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और पेपर आपका MCQs फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने ये दिखाया इसलिए है ताकि बच्चे ये ना बोले कल को कि सर आपने टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है। टॉपिक ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी में, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि MCQs फॉर्मेट में इसका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इसके दो छोटे मोटे रूल्स हैं, जैसे आप अगर सुनना ही चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको हमेशा डेबिट को लिखना होता है, राइट साइड पे आपको हमेशा क्रेडिट लिखना होता है। एंड बेसिकली डेबिट होता है जो कि व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट होता है जो व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इसमें इतना डिटेलिंग में जाने की हमें जरूरत नहीं है। मेन जो चीज़ें यहाँ से सीखनी है कि इस जो टेबल में हमें एसेट्स वगैरह जो यूज होते हैं, जो डेफिनेशन यूज होती हैं, उनको सीखना है। उसके लिए मैंने ये आपके सामने टेबल दिखाया है। तो चलिए अब हम उन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में सीखते हैं। ओके, तो ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपने सीखनी है, और अब मैं आपको समझाऊंगा। अब आपने करना क्या है, पेन पकड़ना है और नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एसेट क्या होता है। तो देखो, एसेट अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है वो एक एसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपका एक प्लॉट है, एक लैंड है, एक प्लॉट है आपका, तो वो आपके लिए एक एसेट है, ठीक है। एसेट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो होता है जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स जो होते हैं वो एक करंट एसेट है हमारे लिए, क्योंकि हम एक साल के अंदर अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर कैश में जिसको नहीं कन्वर्ट कर सकते वो फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, आप फर्नीचर लेते हैं, आप उसे जल्दी नहीं बेच सकते, मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको फटाफट एक साल के अंदर अंदर कैश में, ठीक है। जो जो मैं लिखा रहा हूँ इसके नोट्स बनाइएगा, बाकी अगर आप इसका रिटर्न, हैंड रिटर्न नोट्स चाहते हैं या PDF चाहते हैं तो मैंने आपको फेसबुक पेज के लिंक दिए हुए हैं, आप उन पे ज्वाइन करिए उनको और वहां से आप लिंक ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटीज। अब ये भी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो लाइबिलिटीज हो गया उधार। फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो वो लोन आपकी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म जिसे हम करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, और एक होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइएगा तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। पहला था शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसे हम एक साल के अंदर अंदर रीपे कर देते हैं बैंक को, वो हो गया शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल बैंक का जो ओवरड्राफ्ट होता है वो एक शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होता है, जिसे हम एक साल के अंदर अंदर पे नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल होम लोन। अब जैसे कि मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं बैंक का ऑफिसर हूँ, PO हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यूजुअली जो लोन लेने आते हैं उनका होम लोन काफ़ी बड़ा होता है, नेचुरली होम लोन काफ़ी बड़ा होता है, 30-40 लाख का होम लोन होता है, तो वो एक साल के अंदर अंदर पे नहीं किया जाता, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। देखो जो भी पैसा आपको लगता है कि आपके बिजनेस को स्टैंड करने के लिए चाहिए उसको हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस खोल रहे हो और आपको लगता है कि जनरेटर चाहिए मेरे को, तो वो कैपिटल हो गया, ठीक है। उसमें जो पैसा लगेगा वो कैपिटल हो गया। या फिर आप कहो कि आपने शीशे का दरवाज़ा लगवाना है अपने दुकान के बाहर, तो वो भी कैपिटल हो गया। मतलब जो जो इन्वेस्टमेंट लग रही है आपकी अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए,
तो वो क्या होगी, कैपिटल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग जो वर्ड है ना वो विड्रॉ से थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है, विड्रॉ करना। तो ये यही है ड्रॉइंग। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं बाहर अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। वो पर्सनल यूज आपको कुछ भी हो सकता है, आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं, हेल्थ के लिए ले सकते हैं, लेकिन ड्रॉइंग हमेशा याद रखना जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है ना वही ड्रॉइंग होता है। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं MCQs पूछूंगा और आपको आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में करने होंगे और आपको आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आप इसके नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज। तो अकाउंट्स की टर्म्स में अगर मैं परचेज की बात करूँ तो जो भी चीज़ आपने अपने बिजनेस के लिए ली है वो परचेज होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कैपिटल खर्चा है जनरेटर लेने के लिए, तो जो जनरेटर है वो आपकी परचेज है। आपने कैपिटल खर्चा है दरवाज़ा बनवाने के लिए, तो दरवाज़ा आपकी परचेज है। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं बहुत सिंपल टर्म्स हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होती रहती है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, एक बार नोट्स बना लिए हैं, उसको रिवाइज कर लिया है, तो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, जो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है उसके लिए डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने इसको एक बार पढ़ा है तो बहुत आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल। तो सिंपली जो भी चीज़ आप बेचेंगे वो आपकी सेल्स है। ठीक है, आपने दुकान खड़ी कर ली, स्टेशनरी की दुकान है, पेन्स रखे हैं, पेन्स आप बेच रहे हैं, ठीक है, वो आपकी सेल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। अब जो भी डे टू डे कॉस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल दुकान पे बैठे हैं, फैन चल रहा है, लाइटिंग चल रही है, बिजली आएगी, ठीक है, तो बिजली का बिल भी आएगा, तो ये आपकी क्या आ गई, एक्सपेंसेस। ठीक है, आप बैठे हैं, आपने अंदर वॉशरूम बनवाया है, पानी आ रहा है, तो वाटर का बिल आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपके एक्सपेंसेस। आप बैठे, आपने लेबर रखा हुआ, तो ये भी आपकी क्या आ गई, एक्सपेंसेस। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, इसके नोट्स बनाइएगा लेकिन। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन है अब हमारे सामने क्विज का। कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं कितने पैसे जोजिला टनल प्रोजेक्ट के लिए J&K में। ठीक है, अटेम्प्ट करिएगा इसे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, BSF ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अलर्ट। ये ऑपरेशन अलर्ट जो लॉन्च किया है ये कितने किलोमीटर बॉर्डर पे किया है टेररिस्ट मूवमेंट को क्रब करने के लिए, खत्म करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेंटर्ड सेंशन कंस्ट्रक्शन ऑफ 14,000 बंकर अलोंग द LOC इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ J&K। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो डरिएगा मत, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। जैसी वीडियो खत्म होने वाली होगी एक वीडियो आपको शो हो जाएगी करंट अफेयर्स की, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन उठाए हैं, यानी कि जो मैं करवा चुका हूँ उसी में से करवा रहा हूँ आपको, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा। और अगर आपको आते हैं तो इट्स वेरी गुड। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन कोच कम मेंटर। ठीक है, कोच कम मेंटर पीछे अपॉइंट किए गए थे यहाँ पे। ठीक है, इनमें से कौन है वो, वसीम जाफर है, राहुल द्राविड़ है, इरफान पठान है, सुनील गावस्कर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था कि जम्मू कश्मीर जो असेंबली है इसने कितनी ग्रांट पास की है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके लिए कितनी ग्रांट पास की गई है बाई जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे 8 लिखा लेकिन 7th ही क्वेश्चन है, हु होस्टेड इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स इवेंट इन अक्टूबर 2018। इंटरनेशनल इवेंट था मार्शल आर्ट्स का, किसने होस्ट किया है, 2018 की बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स इवेंट था। ठीक है, इंडियन आर्मी ने एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है कश्मीरी यूथ के लिए, वो कहाँ पे किया है, जम्मू में, किश्तवाड़ में, बारामूला में या श्रीनगर में। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है कि हु कमीशन फर्स्ट यूनिट ऑफ किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट इन J&K। ठीक है, गेल ने किया है, भेल ने किया है, सेल ने किया है या IUCL ने किया है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 9 क्वेश्चंस, देखिएगा आपको कितने आते हैं एंड नीचे कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो से इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।